दोस्तों हम लोग के सामने एक वेबसाइट ओपन है, एकदम फास्ट में एक बड़ा सा ऐड है होम पेज पे एंड लास्ट में एक ऐड है। अगर कोई सा भी पर्टिकुलर पोस्ट में आते हैं, ऊपर में एक बड़ा सा ऐड, देन पोस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 आर्टिकल एंड, एक पोस्ट के अंदर 7+1 8 ऐड शो हो रहा है एंड होम एंड कैटेगरी सेक्शन पे पार्ट पेज के अंदर 2 ऐड, एक ऊपर एक नीचे शो हो रहा है। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर एक ब्लॉगर चाहता है अपने एडसेंस का अर्निंग को इंक्रीज करना। इसके रिगार्डिंग बहुत लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, किस तरीके से एक एडसेंस का अर्निंग को हम लोग बूस्ट कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आप बहुत सारा कुछ पढ़े होंगे, रिसर्च किए होंगे। अगर रिसर्च किए होंगे तो अकॉर्डिंग अच्छा खासा SEO जो लोग करते हैं, एक पोस्ट के अंदर 3 से ज़्यादा ऐड आपको कभी भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन इधर पे हम लोग देख रहे हैं पूरा केस ही उल्टा है। एक पोस्ट के अंदर आपको 3 का ऑलमोस्ट 3 टाइम ज़्यादा इधर पे ऐड प्लेसमेंट किया जा रहा है, ऑलमोस्ट 9 के आसपास। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ये जो बेसिकली फंडामेंटल है एडसेंस का, RPM एंड CPC को इंक्रीज़ करना, इसका क्या ऑथेंटिसिटी है। आमतौर पर देखेंगे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा जिधर पे बात हो रहा है सही ऐड प्लेसमेंट के ज़रिए आप अपने गूगल एडसेंस का ऐड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब एडसेंस का अर्निंग को, CPC को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले डायरेक्ट ये बताना चाहूँगा, आप अच्छे खासे ऐड प्लेसमेंट के ज़रिए अर्निंग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं। सपोजिंगली आपका $2 बन रहा है, आप उधर से मैक्सिमम $3 तक ही लेके जा पाएंगे, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं लेके जा पाएंगे। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो आपको क्लियर कट आके बता सके अगर आप ये ऐड को इधर पे प्लेस करेंगे तो आपका अर्निंग इंक्रीज़ होगा। चलिए हम लोग डीपली इसका बेसिक फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब हम लोग फंडामेंटल के बारे में जानेंगे तभी एक्चुअल सॉल्यूशंस को हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। बेसिकली समझते ऐड किस तरीके से शो होता है एंड एडसेंस का जो अर्निंग बनता है पर क्लिक का वो किस तरीके से बनता है एंड एडसेंस का जो RPM बनता है अर्निंग का वो किस तरीके से बनता है। बेसिकली ऐड जब भी गूगल शो करता है किसी भी यूज़र को, वो दिखाता है गूगल उस यूज़र का पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर। मतलब अगर यूज़र पास्ट में किसी भी LCD TV, LED TV, वॉशिंग मशीन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी सर्च करता है, अगर नेक्स्ट टाइम किसी भी वेबसाइट में जाता है, होपफुली उसके पास वही वॉशिंग मशीन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ही ऐड शो होगा। एंड ये सारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हाईली वैल्यूड टॉपिक है। अगर यूज़र उस टॉपिक के ऊपर, मतलब उस ऐड के ऊपर क्लिक करता है तो उसको ज़्यादा RPM एंड CPC बनेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जो निश है, जो टॉपिक है बहुत ही हाईली डिमांडेड है एंड इसके साथ मनी का डायरेक्ट कनेक्शन है। एंड यही पर भी अगर आप अपने वेबसाइट में ऑटो ऐड भी रन करते, मैनुअल ऐड को छोड़ ही दीजिए, अगर ऑटो ऐड को भी रन करते आपका पर क्लिक का $50, $30, $80, $100 भी आप बन सकते हैं अगर USA से ट्राफिक आता है तो। नहीं, अगर इंडिया से आता है तो तब भी आप अच्छा खासा डॉलर पे अर्निंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें आपका कितना अच्छा मैनुअल ऐड प्लेसमेंट ऊपर नीचे साइड बार में कर देते हैं, लेकिन जो यूज़र आ रहा है वो शायरी, जॉब, ये सब सर्च करता है, तो आपका कभी भी 0.02 के ऊपर अर्निंग नहीं होगा, ये पूरा गारंटी है। ये बेसिकली ऐड का CPC एंड RPM के इंक्रीज़ होने का बैकएंड का रीज़न। होपफुली आपके सामने पूरा चीज़ क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग और एक एक्सपर्ट के बारे में जानेंगे। YouTube पे बहुत सारा लोग राय देते हैं कि कभी कभी किसी ने इम्प्लीमेंट किया है ऑटो एड्स उनके लिए सही हो रहा है, किसी ने इम्प्लीमेंट किया है एंड कह रहा है कि मैनुअल एड्स उनके लिए सही हो रहा है। मतलब आप जो देख पा रहे एक पोस्ट के अंदर 8 पोस्ट, ये जो है मैनुअल ऐड प्लेसमेंट है, ना कि ऑटो ऐड। ऑटो ऐड होता तो एक पोस्ट के अंदर 2 या 3 ही ऐड दिखाता है अकॉर्डिंग टू गूगल का जो एडसेंस का एल्गोरिथम रहता है। तो कोई लोग बोलते हैं ऑटो एड्स अच्छा है, कोई लोग बोलते हैं मैनुअल एड्स अच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके वेबसाइट के ऊपर एंड आपका वेबसाइट किस तरह से जाएगा। पूरा जो है किसी के हाथ पे नहीं रहता है, ये आपको देखना होगा आपके वेबसाइट में ऑटो ऐड काम कर रहा है अच्छा या मैनुअल ऐड अच्छा काम कर रहा है। कई कई बार गूगल का कुछ फंक्शंस के कारण ऑटो ऐड पोस्ट के अंदर शो नहीं हो पाता है, इसके लिए लोग राय देते हैं, यानी मैं भी खुद यूज़ करता हूँ कि इसके अंदर मैं 3 एक पोस्ट के अंदर अगर 100,000 word का एक आर्टिकल है 3 ऐड में प्लेस करता हूँ। एंड अगर आप ज़्यादा ऐड प्लेस करते हैं तो यूज़र को भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो ओवरऑल आपका एडसेंस का अर्निंग के ऊपर भी वो इम्पैक्ट डालता है। बेसिकली आज के इस वीडियो के ज़रिए आपका ये पूरा फंडामेंटल क्लियर हो चुका है। आप जितना भी वीडियो देख लीजिए, देख ले, आप कभी भी अपना एडसेंस को
इंक्रीज़ नहीं कर सकते ज़्यादा, 2x, 3x, 4x, 5x कभी भी आप नहीं कर सकते। आप सिंपली आपका एडसेंस को $2 से $3 या $2 से $4 ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आप कभी नहीं कर पाएंगे। सपोजिंगली आपके एडसेंस में $10 डेली बन रहे, अगर आप सही से थोड़ा बहुत ऐड अगर प्लेसमेंट कर देते 10 से $12 हार्डली, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एडसेंस का जो ऐड का फंडामेंटल रहता है CPC, RPM एंड अर्निंग जनरेट करना, बेसिकली इसके ऊपर ही बेस करके किया जा रहा है। तो आप जितना भी अच्छा कर लीजिए, आपका ये कभी भी मतलब श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है कि आपका एडसेंस का अर्निंग इंक्रीज़ होगा ही होगा। एंड आप जितना भी यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए, पूरा टाइम फालतू है। एंड होपफुली इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, अगर आप जेन्युइनली आपका वेबसाइट के अंदर अच्छा खासा एडसेंस का RPM एंड CPC को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो कुछ टॉपिक है जो अच्छा खासा मनी के साथ रिलेटेड है, उन टॉपिक के ऊपर काम करें। हो सकता है उसके ऊपर विजिटर भी बहुत कम आएगा, 100, 200, 1000 डेली, लेकिन हर 1000 विजिटर में भी आपका मिनिमम $50 अर्निंग बन सकता है, यानी आपका हर एक क्लिक में भी $50 का अर्निंग बन सकता है। डेली आप $100 सिर्फ 100 विजिटर से भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपको वही कुछ इंपॉर्टेंट निश के साथ जाना पड़ेगा एंड उसी कुछ इंपॉर्टेंट निश के ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई मैं तो जो मेरा वेबसाइट जॉब के रिलेटेड है तो उसके अंदर तो आपको कभी भी अच्छा खासा RPM वगैरह CPC वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूँ? आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप न्यू डोमेन को परचेज करिए, देन कुछ हाईली प्रॉफिटेबल निश के ऊपर काम करिए, एंड दूसरा ऑप्शन आप उसी डोमेन को कन्वर्ट करिए, ऐसा टॉपिक को इंक्लूड करिए जो हाईली कन्वर्टेबल निश है। अभी एक क्वेश्चन आएगा, बहुत लोग बोलेंगे कि मैं न्यू डोमेन को परचेस करूँगा किस तरह से, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो अगर आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप उस डोमेन के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हर एक डोमेन के ऊपर अगर आप कुछ महीने साल इन्वेस्ट करते हैं तो गूगल के नज़र पर उस डोमेन का पर्टिकुलर निश पे अथॉरिटी बिल्डअप हो जाता है। सपोजिंगली आप जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं तो गूगल समझेगा कि ये वेबसाइट सिर्फ जॉब के ऊपर है, बाकी आप कुछ भी लिखते हैं आपका वेबसाइट आसानी से रैंक नहीं होगा। लेकिन उसी जगह पर अगर आप एक न्यू डोमेन के ऊपर आर्टिकल डालते हैं कुछ हाईली प्रॉफिटेबल निश के ऊपर, तो गूगल उसको विद इन 2 मंथ 1 मंथ के अंदर आपको रैंक देगा ही देगा, आपका एडसेंस का अर्निंग CPC इंक्रीज़ होगा। एंड ये जो क्वेश्चन आ रहा है, बार बार एक टर्म आ रहा है कि हाईली प्रॉफिटेबल निश, तो किस तरह से फाइंड आउट करें एक हाईली प्रॉफिटेबल निश, उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो आएगा तभी जब आप कमेंट करेंगे नीचे। एंड इंस्टाग्राम का हैंडल का नाम है शुभदीप ब्लॉगर, उधर पे मेरे को फॉलो करिए, पर्सनल टिप्स एंड सपोर्ट एकदम फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। एंड होपफुली आपके पूरा फंडामेंटल क्लियर हो चुका किस तरीके से आपका ऑरिजिनली एंड ऑथेंटिकली आपका एडसेंस का अर्निंग आप क्लियर कर सकते, इंक्रीज कर सकते। अगर आप अभी तक वीडियो देखे हैं तो होपफुली आपके पूरा आइडिया क्लियर हो चुका है। एंड आप जो भी यूट्यूब पे चल रहा है एडसेंस का अर्निंग 5x, 10x, 100x करिए, इस सारा खेल से आप बाहर आ चुके होंगे होपफुली। एंड ये बात आपको दिमाग में हमेशा रखना है जब भी आप एडसेंस का अर्निंग एंड CPC के रिलेटेड चीज़ों के ऊपर बात करेंगे या सोचेंगे। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए आपका जो भी राय है, क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो किस पे आना चाहिए जो यूट्यूब पे चल रहा है उससे अलग कुछ ऑथेंटिक न्यू एंड ओरिजिनल, एंड उसको पाने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जो मस्ट है, ताकि आपके सामने सबसे पहले नोटिफिकेशन आए।